तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपको हमारे चैनल कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे पांच बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें हॉलीवुड की फिल्म ब्लैक एडम, मराठी फिल्म हर हर महादेव, साउथ की फिल्म कांतारा, बॉलीवुड की फिल्म राम सेतु और अजय देवगन की फिल्म थेंगोल शामिल है। और आपको बताएंगे इन पांचों फिल्मों का आज का और अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना इंडियन बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के बारे में। आपको बता दें कांतारा फिल्म को लेकर काफी अच्छा बस देखने को मिला। वहीं सिर्फ 16 करोड़ रुपए के बजट में बनाए जाने की वजह से फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और काफी जबरदस्त कहानी होने की वजह से फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने 4-स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी जबरदस्त रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफी कम स्क्रीन पर काफी बड़ा धमाका किया और लगभग 1,27,00,000 रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो कांतारा फिल्म अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में लगभग 14,87,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही। वहीं फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ 16 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक कांतारा फिल्म अपने 16वें दिन यानी आज हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 3,85,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 16 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 38,36,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करते हुए 221 करोड़ रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार कर देगी। वहीं अगर इस फिल्म से हॉलीवुड की फिल्म ब्लैक एडम का कंपेयर करें तो ब्लैक एडम फिल्म भी हॉलीवुड की साल की बड़ी फिल्मों में से एक थी, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग $200 मिलियन से भी ज्यादा था। लेकिन फिल्म अपने पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में कामयाब रही और फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 6,80,00,000 रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं अगर इस फिल्म के भी अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी कम रहा और फिल्म ने अपने 10वें ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग आज 1,06,00,000 रुपए के आसपास कलेक्शन कर रही, जिससे फिल्म का 10 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 37,25,00,000 रुपए के आसपास रहेगा और यह फिल्म भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की तीसरी और बड़ी फिल्म हर हर महादेव के बारे में। आपको बता दें हर हर महादेव फिल्म का बजट लगभग 15 करोड़ रुपए था। वही फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने 4-स्टार रिव्यू दिया, क्योंकि फिल्म की कहानी से लेकर सभी स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स का दिल जीतने में कामयाब रही और काफी अच्छा रिव्यू मिलने की वजह से फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 2,25,00,000 रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रॉप देखी गई, क्योंकि फिल्म के दूसरे दिन से ही फिल्म की स्क्रीन से लगातार कम होती चली गई और फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1,36,00,000 रुपए का कलेक्शन किया, जिस वजह से फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन और भी ज्यादा गिरा और फिल्म ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 80,00,000 रुपए कमाए। वहीं अगर फिल्म के चौथे और पांचवें दिन के कलेक्शन की बात करें तो हर हर महादेव फिल्म ने अपने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक पकड़ बनाए रखी और थोड़ी सी ग्रोथ पाते हुए 1,01,00,000 रुपए का ठीक ठाक कलेक्शन किया। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर हर महादेव फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी सी ग्रोथ पाते हुए 1,24,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का अभी तक का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6,66,00,000 रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन यह फिल्म अभी भी अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाएगी, जिस वजह से हर हर महादेव फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कहलाएगी। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर कर हिट हो पाती है या नहीं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की चौथी और बड़ी फिल्म थिंग गॉड के बारे में। आपको बता दें थिंग गॉड फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका में नजर आई थी। वहीं फिल्म का बजट था 70 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यू दिया और हेटर्स ने तो इस फिल्म को सिर्फ 2.5 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी कम ओपनिंग मिली। इसी के साथ फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी कम स्क्रीन पर भी रिलीज किया गया, जिस वजह से अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थिंग गॉड ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8,10,00,000 रुपए की ओपनिंग की। वहीं फिल्म के दूसरे ही दिन कलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रॉप देखी गई और फिल्म ने अपने दूसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा ड्रॉप आते हुए 6 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन फिल्म का तीसरे चौथे और पांचवे दिन का कलेक्शन और भी ज्यादा गिरा और फिल्म ने अपने तीसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिर से ज्यादा ड्रॉप पाते हुए 4,15,00,000 रुपए के आसपास कलेक्शन किया। लेकिन अगर फिल्म के चौथे और पांचवे दिन के कलेक्शन की बात करें तो माना जा रहा था फिल्म के चौथे और पांचवे दिन कलेक्शन में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाद
बावजूद फिल्म ने अपने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 3,30,00,000 रुपए कमाए, लेकिन फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक थैंक गॉड फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर फिर से थोड़ी सी ड्रॉप पाते हुए 2,91,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही, क्योंकि फिल्म की देश भर में कई स्क्रीन को कम कर दिया गया, जिस वजह से इस फिल्म का अभी तक का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 24,46,00,000 रुपए के आसपास रहेगा। वहीं फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए है, जिस वजह से यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल हो जाएगी, जिस वजह से हो सकता है फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 35 करोड़ रुपए के आसपास रहे। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा, फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी छू पाती है या नहीं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की आखिरी और सबसे बड़ी फिल्मों में से एक राम सेतु के बारे में। आपको बता दें, राम सेतु फिल्म को लेकर बॉलीवुड में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिला था, क्योंकि यह फिल्म बॉलीवुड की कई सालों के बाद एक बड़ी एडवेंचर फिल्म थी। वहीं फिल्म का बजट था 150 करोड़ रुपए, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद राम सेतु फिल्म को काफी कम स्क्रीन मिली। वो फिल्म को सिर्फ 2800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जो कि पिछली बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन इसके बावजूद फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहा। वो पब्लिक को क्रिटिक्स से मिले 3.5 स्टार रिव्यू की बदौलत फिल्म अपने पहले दिन काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ पाने में कामयाब रही। वो पब्लिक को क्रिटिक्स से मिले काफी अच्छे रिव्यू की बदौलत फिल्म काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ पाने में कामयाब रही। वो फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 15,25,00,000 रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की, जिस वजह से इस फिल्म का दूसरे और तीसरे दिन का कलेक्शन भी ठीक ठाक रहा। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपने दूसरे दिन थोड़ी सी ड्रॉप पाते हुए 11,40,00,000 रुपए कमाए। वहीं फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन और भी ज्यादा गिरा, क्योंकि फिल्म ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30-25% की ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप पाई, जिस वजह से फिल्म अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8,75,00,000 रुपए के आसपास कमाई करने में कामयाब रही। वहीं अगर फिल्म के चौथे और पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने अपने चौथे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, क्योंकि फिल्म ने अपने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर फिर से थोड़ी सी ड्रॉप पाते हुए 6,05,00,000 रुपए के आसपास कमाई की, जिससे इस फिल्म का चौथे ही दिन का कलेक्शन काफी कम रहा। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो राम सेतु फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज लगभग 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक राम सेतु फिल्म आज फिर से काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 7,10,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 5 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 48,55,00,000 रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 56,50,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रहेगी। तो दोस्तों, आज के कलेक्शन के मामले में तो अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का कलेक्शन रहेगा ज्यादा, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांताराम आएगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से ऋषभ शेट्टी बनेंगे बॉक्स ऑफिस इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और कांतारा बनेगी बॉक्स ऑफिस इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। वहीं दूसरे नंबर पर रहेगी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु, तीसरे नंबर पर रहेगी हॉलीवुड की फिल्म ब्लैक एडम, वहीं चौथे नंबर पर रहेगी अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड और पांचवें नंबर पर रहेगी मराठी फिल्म हर हर महादेव। लेकिन अगर आपने इन पांचों फिल्मों को देखा है, तो आप इन पांचों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, इन पांचों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म मराठी फिल्म हर हर महादेव को, अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड को, हॉलीवुड फिल्म ब्लैक एडम को, साउथ की फिल्म कांतारा को, या फिर अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को? आप इन सभी सुपरस्टार में से कौन से सुपरस्टार के सबसे बड़े फैन हैं? आपकी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसा ना हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन के साथ साथ साउथ नेपाल और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की सभी लैंग्वेज की अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।